दया चायला रंग ताली रंग ताली रंग ताली के रंग मा रंग ताली ओहो रंग ताली ए रंग लो जानो का अरे अटक क्यों गई गागा मजा आ रहा है अरे क्या मजा आ रहा है टप्पू के पापा देखिए अभी मैंने दो गरबे गाए उसमें क्या समानता है दोनों गरबे है हा? दोनों गुजराती में है दोनों तूने गाए दोनों मैंने सुने अरे भाई तो अभी तू ही बता क्या समानता है एक शब्द ऐसा है जो दोनों गरबे में आता है और बार बार आता है रंग ताली रंग ताली रंग ताली के रंग में रंग लो जानो काली समझ गया रंग हाँ रंग टप्पू के पापा रंग हाँ रंग अरे क्या टप्पू के पापा रंग क्या टप्पू के पापा हमारे घर का रंग बहुत पुराना हो गया है तो इस दिवाली पे पूरे घर में नया रंग कराए पूरे घर में नया रंग हाँ एक मिनट ये लीजिए रंगों का चार्ट ये कौन दे गया दे कौन जाएगा मैंने मंगवाया टप्पू से टप्पू के स्कूल के बाजू में रंग वाले की दुकान है ना वहां से क्या है टप्पू के पापा घर में नया रंग करने से एकदम रौनक आ जाएगी घर एकदम नया नया लगने लगेगा और रंग करवाने से घर की सफाई अपने आप हो जाएगी इसीलिए तो दिवाली में सब लोग नया रंग करवाते हैं ना देखिए टप्पू के पापा मैंने सब सोच कर रखा है इस कमरे में हम हल्का सुनहरा रंग करवाएंगे और बापूजी और टप्पू का कमरा है ना उसमें हम आसमानी नीला रंग करवाएंगे और हमारा जो रूम है ना उसमें हम ये ऐसा चाय का रंग करवाएंगे चाय का रंग आप आइए 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 देखिए ये और ये तीनों दीवार है ना उसमें हम चाय का रंग करवाएंगे और ये जो दीवार है उसमें हम फाफड़ा जलेबी की डिजाइन करवाएंगे सुबह उठते ही जलेबी फाफड़ा के दर्शन आपको तो आईने टेसरा बन जाएगा आपके चारों तरफ चाय और जलेबी फाफड़ा 24 घंटे वाह दया वाह क्या सोचा है तूने जबरदस्त विचार है सुबह उठते ही सीधा जलेबी फाफड़ा के दर्शन बराबर है वाह वाह जबरदस्त मजा आ गया नहीं 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 टप्पू के पापा थोड़ी थप्पा हम हमारे कमरे में फाफड़ा जलेबी का चित्र नहीं रख सकते क्यों टप्पू के पापा अभी मुझे आपको जगाना पड़ता है उठिए टप्पू के पापा उठिए और अगर ऐसे फाफड़ा जलेबी का डिजाइन बनाएंगे ना तो मुझे आपको सुलाना पड़ेगा सो जाइए टप्पू के पापा ये सिर्फ जलेबी फाफड़ा का चित्र है नहीं नहीं बराबर बराबर है तेरी बात बराबर है सामने पूरी दीवार पे जलेबी फाफड़ा का चित्र होगा तो मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा भाई तो क्या करे टप्पू के पापा हमारे कमरे में कौन सा रंग करवाए मैं क्या कहता हूँ रंग के बारे में बाद में तय करे क्योंकि क्या है अभी दिवाली नजदीक आ रही है और ऐसे में क्या है कि सब रंग वाले बहुत बिजी होते हैं आखिरी मौके पे कोई अच्छा रंग वाला कारीगर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है टप्पू के पापा नामुमकिन को मुमकिन कर दे और अनहोनी को होनी कर दे ऐसे एक भाई को जानती हूँ मैं कौन अरे मेरा भाई सुंदर वीरा अरे उसको एक फोन करूंगी ना तो 10 कारीगर को लेकर यहाँ पर आ जाएगा अरे सुंदर जितने पैसों में हमारे घर में रंग करवाएगा उससे कम पैसों में तो पूरा नया पेटी पे घर आ जाए टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं नहीं मैं सोच रहा था इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी हस्ती को परेशान करना अच्छी बात नहीं है टप्पू के पापा वो आपके लिए बड़ी हस्ती है मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई है खुशी खुशी मेरा काम कर देगा मैं अभी उसे फाइन करती हूँ दया 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 दया
मैं क्या कहता हूँ कि तेरा विचार अच्छा है, बढ़िया विचार है। पूरे घर में हम रंग नया करवाए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अभी दिवाली को क्या ज्यादा दिन नहीं है, तो ऐसे में क्या सब कारीगर लोग बहुत बिजी रहते हैं, कोई अच्छा कारीगर मिलेगा नहीं। और अगर पूरे घर में रंग करवाना है तो उसमें क्या टाइम चाहिए, क्योंकि वो रंग वाले क्या एक एक दीवार को घिसेंगे या पुराना रंग निकालेंगे, फिर वो लापी भरेंगे सब एकदम एक एक दीवार का वो लेवल देखेंगे, फिर वो रंग का पहले एक हाथ मारेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ चढ़ेगा, फिर तीसरा हाथ चढ़ेगा, फिर चौथा हाथ चढ़ेगा, तो उसमें क्या टाइम चाहिए ना, कम टाइम में क्या अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि अभी दिवाली जाने दे। नहीं, तेरा विचार बहुत बढ़िया है दया, पूरे घर में रंग करवाने का विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन ये दिवाली जाने दे, उसके बाद क्या है सब कारीगर लोग फ्री हो जाएंगे। हाँ। तो उसमें से हम एक बढ़िया सा कारीगर ऐसे चुनेंगे और उसको ये पूरा काम सौंप देंगे, है? और उसके सर पे खड़े रहकर बढ़िया काम करवाएंगे, पूरे घर को एकदम चकाचक नया कर देंगे, है? बहुत बढ़िया विचार है तेरा घर में रंग करवाने का। अरे टप्पू के पापा, ऐसे तो कई विचार मेरे दिमाग में आते ही रहते हैं, पर मेरा क्या है कि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ। नहीं, बराबर नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या है, सही समय पे सही विचार को अगर हम बाहर फेंके ना तो उसका सही असर पड़ता है, इसलिए ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। चलो मैं चलूं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दया, अभी ज्यादा सोच मत, दिमाग को एकदम फ्री कर दे। ओ टप्पू के पापा, मैं ज्यादा सोचूं नहीं इसलिए अब कितना सोचते हैं। अरे पगली, तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा, हैं? देख दिवाली आ रही है। हाँ। दिमाग में सब सफाई कर दे, हैं? फ्री कर दे दिमाग को एकदम। हाँ? चलो ओके। जय जिनेन्द्र। आप बोले ना एक बार, इधर बोले जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र थैंक यू। सोचना नहीं है, इसे बंद करो। माधवी, तुम जानती हो ना कि सोसाइटी के काम को लेकर मुझे कितना टेंशन है। अभी दिवाली नजदीक आ रही है, सबके पगार देने, बोनस के साथ डेकोरेशन का बजट बनाना है, लाइटिंग का देखना है, ऊपर से आचार पापड़ की डिलीवरी तो है ही, और ऐसे में तुम टेंडली की सब्जी बनाने का बोलकर मेरा मूड खराब कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेंडली की सब्जी का आपके सोसाइटी के कामों से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है काय? कोई इंसान अगर इतने टेंशन में काम कर रहा है और अगर वो अपनी मनपसंद सब्जी खाने की जिद करे तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है मा? इसीलिए तो परसों आपके पसंद के परवल की सब्जी बनाई थी मैंने। परसों आप तो परसों ऐसा बोल रहे हो जैसे बरसों पहले बनाई थी परवल की सब्जी। ओ, अभी परसों ही तो बनाई थी, डे बिफोर यस्टरडे, अठवलका। हाँ तो डे बिफोर यस्टरडे मतलब भूतकाल हो गया माधवी, भूतकाल। और अभी वर्तमान की बात करो और वर्तमान में सिर्फ टेंडली की सब्जी ही बनेगी। वही तो मैं कह रही हूँ, टेंडली की सब्जी ही बननी चाहिए। मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। वर्तमान में सिर्फ परवर की सब्जी बनेगी। टेंडली की सब्जी बनेगी, परवर की बनेगी, टेंडली परवर। ये क्या जिद है? हाँ जिद है तो जिद है। अगर आपकी जिद है ना तो मेरी भी जिद है। आज टेंडली की सब्जी ही बनेगी। सोनू और मुझे, हम दोनों को टेंडली की सब्जी पसंद है तो टेंडली की सब्जी ही बनेगी। मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी मतलब मैं माइनॉरिटी में आ गया? तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। माधवी, बनाओ ना परवर की सब्जी प्लीज। सब्जी ले लो, सब्जी। क्या मस्त ताजी ताजी टेंडली लेकर आई होगी। नहीं 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 माधवी, नहीं परवर माधवी प्लीज वहां से आई। अरे और सब्जी वाली भाई, इसे टेंडली बिल्कुल मत। क्या बोलते मीम की जातो ना खाली। माधवी 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 माधवी, अरे देवा, महिला मंडल आ भी गया। परवर की सब्जी लेना प्लीज। आप मेरे पीछे पीछे नीचे तक आ गए, कमाल है तुमची। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा जाइए। हाँ तो जा रहा हूँ ना, मैं कंपनी जा रहा हूँ सब्जी वाली तक। लपाद, आज ना मैं तेंडली नहीं बनाऊंगी। थैंक यू, कितनी छान। आज और कल दोनों दिन तेंडली ही बनाऊंगी। ये कितनी लगातार है। आ गए हमारे सोसाइटी के क्यूट कपल। और भिड़े भाई साथ में होते ना तो माधवी भाभी के चेहरे की रौनक ही कुछ अलग होती है। तभी तो सब्जी लेने के लिए भिड़े बहन भिड़े भाई को साथ में लेकर आए हैं।
नहीं 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 दैवा भी हम लोग साथ में नहीं आए, मतलब साथ में आया लेकिन मैं सब्जी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सोसाइटी ऑफिस में काम है इसलिए मैं आया। दरअसल ये देखने आए हैं कि मैं कौन सी सब्जी ले रही हूँ। सखू मुझे जरा 1 किलो तेंडली नहीं परवल देना। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। सब्जी लेते लेते जीने का सहारा हो गया। राम राम मंडली। अरे ओ राम राम भाई। भाभी ताई मतलब बहन ना, किसकी बहन है? अरे नहीं नहीं ये किसी की बहन नहीं है, ये गंगू ताई है, गोकुलधाम सोसाइटी की साफ सफाई करती है और हमारे लिए ताई से भी बढ़कर है। नहीं ताई आप इस वक्त, आप तो सुबह आती है ना? भाभी अब दिवाली आ रही है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना, गार्डन की सफाई करनी है, छत की सफाई करनी है, बहुत काम करना है मेरे को। वाह गंगूताई, कामसू एक नंबर। और गंगूताई अभी आपका काम और बढ़ने वाला है, दिवाली आने वाली है, लोग पटाखे जलाएंगे तो और कचरा होने वाला है। एक्चुअली फिकर न को भिड़े भाव, ताईया है ना, आपको दिवाली में इधर उधर कहीं पे भी कोई कचरा नहीं दिखेगा, अगर दिखा तो 51 रुपए गंगूताई की तरफ से। शर्त लगानी है क्या किसी को? बोलो लगानी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे शर्त लगाएंगे ना तो हम लोग ही हार जाएंगे। ठीक है चलो, अतः टाइम ना का खोटी करूं, बहुत काम है मेरे को, गार्डन की सफाई भी करनी है। अच्छा गंगूताई एक मिनट, इससे पहले कि आप अपना काम शुरू करें जरा सोसाइटी ऑफिस में आना और अपना पगार और बोनस दोनों लेकर जाना। अभी तो दिवाली को बहुत टाइम है ना भिड़े भाव। गंगूताई दिवाली के पहले बोनस दूंगा तभी तो आपको काम में आएगा पैसा, दिवाली के बाद दूंगा तो क्या फायदा। थैंक यू भिड़े भाव, चलिए चला चला बोनस गया, चला मैं आ लो ये तो जमना। वाह भाई वाह, सफाई कामदार की भी इतनी इज्जत इतना प्यार, यही तो ब्यूटी है गोकुलधाम सोसाइटी की, तभी तो बार बार यहाँ आने का मन करता है मेरा। आइए आइए बंसी भाई आइए, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस? बस भगवान का आशीर्वाद है जी, जय राम जी की बब्बी सा, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में, जय राम जी की। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए बंसी वो? हाँ। अरे सब्जी लेने आए होंगे। चौकी बात करूंगा बब्बी सा, मेरा मन करे तो मैं तो रोज ही आ जाऊंगा कुड़दाम में सब्जियाँ लेने के लिए, आपकी सोसाइटी की तो बात ही कुछ और है बब्बी सा। लो आ गए अपने बंसी भाई घूम फिर कर उसी बात पे। अब क्या करे बब्बी साहब, मेरा तो काम ही यही है, चौकी बात करूंगा, इस एरिया का नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं, 1 से 1 मेरे पास में ऑफर है, मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ऐसी साफ सुथरी और अच्छी सोसाइटी तो पूरी मुंबई में कहीं ना है। वो तो है, बिल्कुल गलत बात है? ऐसे साफ सुथरी सोसाइटी सिर्फ मुंबई में क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। आहा। अरे हम तो गर्व से कहते हैं 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां सही कहा कोमल बाबी आपने, आज की दुनिया में गोकुलधाम जैसी सोसाइटी होना तो एक अजूबा ही है, इसीलिए सबको गोकुलधाम सोसाइटी में ही फ्लैट लेना है, मार्केट रेट से भी ज्यादा की रेट देने को तैयार है और मुझे डबल कमीशन भी। बंसीलाल भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई एक बार रहने आता है ना फिर कभी वापस नहीं जाता। करेक्ट, क्योंकि सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ यहाँ के लोगों में इतना प्यार है ना कि यहाँ फ्लैट बेच कर कहीं और जाके रहना तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। करेक्ट। और वैसे भी बंसी भाई हमारी सोसाइटी ना पूरे एक परिवार की तरह रहती है, यहाँ कोई इंसान एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहता। पता है बब्बी साहब, लेकिन चौक की बात कहूंगा, अरे कोई तो होगा जिसको बेचना होगा, अरे कोई तो जाता होगा सोसाइटी छोड़ के। अशक्य है बंसी बहू, अशक्य है, आप भूल जाइए। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी सदस्य सोसाइटी को छोड़कर कभी नहीं जाए। ठीक है बब्बी साहब, कोई बात नहीं, चलता हूँ, जय राम जी की। लेकिन सोसाइटी में सबसे पहले कोई भी फ्लैट बेचना तो मैं नहीं बताना, आपने मारा सौगण है। जय राम जी की, चलता हूँ। राम जी की जय। अरे 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 भाई बंसी भाई आपके पैसे गिर गए। कहाँ जी, कहाँ गिरे जी पैसे? अरे आपने तो अभी अपने हाथों से नीचे फेंके, देखिए। सॉरी बाबी सा, गलती हो गई।
आप चौकी बातें करते तो चौखा काम भी कीजिए, कचरा ऐसे रस्ते पे नहीं फेंकते। करेक्ट, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालिए। बंसी भाई, अगर हम ही हमारा देश साफ नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सॉरी जी बब्बी जी, सॉरी जी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। भाभी मस्त सबक सिखा आपने, वेरी गुड। अरे हमारी सोसाइटी में हमारे सामने कचरा फेंक के जाएंगे तो चुप थोड़ी रहेंगे। पर एक बात है, हमारी सोसाइटी है बहुत फेमस। तो हाँ भाभी, और यहाँ की सब्जी वाली भी फेमस है। अच्छा अब बातें बाद में करो, फटाफट सब्जी ले लो, मुझे आगे जाने में लेट हो जाएगा। ओ गो भाई। अरे लेट से याद आया, हम लोग भी तो दिवाली की शॉपिंग के लिए लेट है। देखो हर जगह सेल लग गई है और कल संडे भी है, तो कल चले शॉपिंग के लिए। नहीं 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 बबीता जी, कल रविवार है, मुझे तो पूरे घर की साफ सफाई करनी है। अरे हाँ ये बात भी सही है। हाँ फिर अगले हफ्ते तो कितने सारे काम हो जाएंगे, दिवाली की खरीदारी करनी, मिठाई बनाना, रंगोली करना, इन सब में तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अगदी बरोबर है दया भाभी। भले पर रविवार ही क्यों? रविवार इसलिए क्योंकि टप्पू के पापा घर में होंगे ना, मैं टप्पू के पापा को घर के काम में मदद करने के लिए कहने वाली हूँ। क्या है अकेले अकेले घर का सारा काम करते है ना, तो बहुत वक्त चला जाता है। अरे वाह दया भाभी, वेरी गुड आइडिया। कल संडे है तो मैं तारक को भी काम पे लगा दूंगी। हाँ अपनी पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। वैसे साथ मिलकर घर की साफ सफाई करने का आइडिया अच्छा है। आखिर घर का काम करना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। करेक्ट, लेकिन ध्यान रहे हमारे पति देव दिवाली की सफाई जैसी जिम्मेदारियों से भागने में अव्वल है, इसीलिए हम में से किसी के पति को भी हमारे सफाई अभियान के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। ये अभियान खुफिया ही रहना चाहिए, अगर हमारे पति देव को पता चल जाएगा ना तो कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाएंगे। पर इस मामले में माधवी भाभी आप बहुत लकी है, क्योंकि सफाई के काम में साथ देने के लिए भिड़े भाई कभी ना नहीं कहते होंगे ना। हाँ वैसे ये थोड़े उत्साही है, इनका बस चले ना तो मुझे सोफे पे बिठा के पूरे घर की साफ सफाई खुद ही कर दे। वाह भिड़े बिड़वा नसीब वाले है आप। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि दिवाली से पहले लोग घर क्यों साफ करते हैं। अरे बहन, दिवाली पर घर की साफ सफाई करने की तो बहुत बड़ी महिमा है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है कि दिवाली पर लक्ष्मी माता अपने भक्तों को सुख और शांति के आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और इसलिए सभी भक्त अपने घर का कोना कोना साफ करके दीप जला के माता जी का स्वागत करते हैं। और कहते हैं कि दिवाली प्रकाश का पर्व है, इन दिनों में हमारे जीवन में नई रोशनी और नई ऊर्जा प्रवेश करती है, और इसीलिए हम घर का कोना कोना साफ करते हैं ताकि हमारे जीवन का एक भी हिस्सा इस पवित्र प्रकाश से वंचित न रह जाए। और देखा जाए तो दिवाली बारिश के सीजन के बाद आती है, और बारिश के सीजन में नमी की वजह से घर में फंगस और कीड़े होते हैं, और इसलिए बारिश के बाद घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। वेल सेड। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, दिवाली में तो घर साफ होना ही चाहिए। मैं अभी अपने नौरे को बोलती हूँ कल घर सफाई में मेरा मदद करे, मैं अभी फोन लगाती हूँ उसको। अरे नहीं नहीं, उनको भी कल ही बताना। हाँ तो ये तय रहा, कल रविवार की सुबह हम सफाई अभियान का प्रारंभ करेंगे हमारे भोले भाले पतियों के साथ। दया भाभी ने घरों में होने वाले सफाई अभियान का बिगुल बजा दिया है, और गोकुलधाम की महिलाओं ने भी दिवाली पे अपने अपने पतियों से सफाई करवाने का खुफिया प्लान भी बना लिया है। अब सोचिए तो, आप कभी पतली गली में भी नहीं चले और आपको पतली लटकती हुई रस्सी पे चलना हो तो क्या हाल होगा, आप सर के बल गिरेंगे। यही होने वाला है गोकुलधाम के जेंट्स के साथ। वैसे एक बात तो है मित्रों की, सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की क्यों हो, पुरुषों की क्यों ना हो, ये हम दोनों के बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए सोचिए तो कि जब पुरुषों को ये सब करना पड़ेगा तो कितने हंगामे होंगे, कितने ठहाके लगेंगे आपके घरों के अंदर। मैं जानता हूँ आप हंसते हंसते बेहाल हो जाएंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।